छोड़ो, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टैंजा। तो ये जब तक याद नहीं करोगे, इधर इधर देखना है, इधर नहीं, इधर जब याद करेंगे तभी फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन तीन है, देखो ज़्यादा अभी इस बार बहुत हार्ड नहीं आएगा, तो ये तीनों कम से कम इम्पोर्टेंट समझ कर याद कर लेना। फिर क्या है देखो, थर्ड में देखो वही चीज़ आ गया, गच्छामा, हम लोग जाएं, ऐसे वाले सारे वर्ड लिखने हैं जो इसमें दिया है। अर्चामा, विहरामा, सेकंड फिगर मेरा है, अर्चामा विहरामम, माय फिगर इज ना थर्ड पिलो ना, नहीं आप अभी डो इमिटेट मी, नहीं बैठो मैं पढ़ा रही हूँ अभी। अनुगच्छ मतलब पीछे पीछे चले, फॉलो करें।
करना, एक्सप्रेशन को पेंसिल से अंडरलाइन करना, फिर उसका आंसर बनाना सही होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका भी गलत कर देते हैं एक्सप्रेशन देने के बावजूद। शिलाया प्रवास विद्वन, शिलाया प्रवास, प्रवास का मतलब क्या होता है? प्रवास तो तुम लोग गुजराती में भी बोलते हो कि प्रवास को जा रहे हैं। Thank you.
क्या आपको कोई काम है? सविता आम अहम कया सह वार्तालापम कर्तुम इच्छामि। आम अहम तया सह वार्तालापम कर्तुम इच्छामि। ये बोल रही है कि यस आई वॉन्ट टू स्पीक विथ हर। बैठो। आई वॉन्ट टू स्पीक विथ हर। मैं उसके साथ बातचीत करना चाहती हूँ। शिक्षिका शीलाम प्रति भ्रमण भाषण प्रेषयति। द टीचर सेंडिंग द मोबाइल टू शीला। उसको शीला के पास भेज देती है। शीला अब कथम अस्ति सर्वम कुशलम वा। जाओ आके तुमसे अभी मीनिंग पूछूंगी। जाओ शीला अब कथम अस्ति सर्वम कुशलम वा। हाउ आर यू? एवरीथिंग इज ओके? मम्मी अगर फोन करेगी प्रवास पे तो पूछेगी ना कि अच्छे से हो ना बेटा, सब ठीक है ना? तो वही वो पूछ रही है कि अब कथम अस्ति सर्वम कुशलम वा। एवरीथिंग इज ओके? हाउ आर यू? सविता आम अहम कुशलिनी। सी हियर ध्यान दो, कुशलिनी लड़की के लिए वर्ड है कुशलिनी। अगर लड़का से बात होती, राजेश से बात होती, तो वो बोलता है ये आम अहम कुशला अस्मि। और ये लड़की है शीला है तो बोल रही है कुशलिनी अस्मि। और भवत्या प्रवास कथम प्रचलति? तो हाउ आर योर टूर गोइंग ऑन? हाउ आर यू गोइंग योर टूर गोइंग ऑन? चलेगी। माई टूर इज वेरी फाइन। अच्छा चल रहा है। अधुना अहम अजंता गुहायाम अस्मि। अभी मैं अजंता गुहा में हूँ। नाउ आई एम इन अजंता केव। सविता शोभनम गुड। तत्र किम अस्ति? उठ जाओ तुम, उठो। हाँ शीला की मम्मी का क्या नाम है? कौन बोला? कौन बोला? और
also is also there. The four-faced deer's picture is also there. अत्र बहूनि सुंदराणि चित्राणि अपि सन्ति. So here so many beautiful pictures are there. सविता पद्म पाने चित्रक तत्र अस्ति वा. अब वो पूछ रही है कि इस दियर पद्म पानी इस दियर पिक्चर ऑफ पद्म पानी क्या वहाँ पे पद्म पानी का पिक्चर है. शीला आम अस्ति. शीला बोले यस इट इज. अस्मा भी सा मार्गदर्शक अभी अस्ति. मार्गदर्शक मीन्स गाइड. सो देर इज ऑल्सो अ गाइड विद अस. अस्मा भी मतलब हम लोगों के साथ. देर इज अ गाइड विद अस. सविता सह किम कथयति. बोल रही थी वो क्या व्हाट इज ही सेइंग. सहिला सह बौद्ध गुहाया विषय अस्माभिः सह वार्तालापं करोति. ही टॉकिंग विद अस. तुमको चिढ़ाना है. तुम उधर क्यों देख रही हो. उधर क्यों नहीं देख रही हो. सबका ध्यान इधर केंद्रित होना चाहिए. पढ़ाई पे ध्यान दोगी ना तो कुछ नहीं दिखेगा कौन जी आ रहा है कौन जा रहा है. बहुत बड़ा उदाहरण है राजेंद्र प्रसाद का. राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने वो स्ट्रीट लाइट पे बैठ के पढ़ा करते थे. उनके सामने से बारात गुजर गई और वो पढ़ाई पे नींद ले गए. इतने कंसेंट्रेट थे तब जाके प्रधानमंत्री बने. बहुत गरीब परिवार के थे. तो जब माइंड कंसेंट्रेट रहता है जब हम ध्यान देते हैं तो कुछ सुनाई नहीं देता है कौन क्या बोल रहा है. अगर सुनाई दे भी गया तो आपको इग्नोर करना है. तो बारात में कितनी आवाज़ होती है. बाजा बजते रहते हैं. सुनाई तो जरूर थोड़ी बहुत आई होगी लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया. वो पढ़ाई बहुत बड़ा उदाहरण है. जब आप जितनी पढ़ोगे उनका राजेंद्र प्रसाद का तो उसमें लिखा हुआ रहेगा. सह बुद्ध गुहाया विषय अस्मा भी सह वार्तालाप करोति. ही इज टॉकिंग विद अस अबाउट द केव ऑफ बुद्ध. केव ऑफ बुद्ध अपि च गुहाया इतिहासम अपिमा कथयति. और ऑल्सो ही इज सेइंग द अपिमा मतलब उसकी विशेषताएं. ऑल्सो ही इज सेइंग द विशेषता को क्या बोलेंगे. क्वालिटीज भी बोल सकते हैं. सो मेनी क्वालिटीज अबाउट दैट केव. सो मेनी क्वालिटीज अबाउट दैट केव. सही है. सविता तेषां स्थानानां कानिचित छाया चित्राणि आनयतु. मम्मी उसको बोल रही है कि उस जगह से कुछ चित्र ले आना. तो प्लीज ब्रिंग द सम फोटोज फ्रॉम दैट प्लेस. दैट प्लेस शीला अवश्य आनयिष्यामि. आनयिष्यामि वर्ड है यहाँ मतलब व्हील. यहाँ पे आएगा जहाँ स्या लग गया वर्ड. आने आमी मतलब मैं लाती हूँ और आने श्यामी मतलब लाऊंगी या लाऊंगा. दोनों के लिए होता है पुलिंग स्त्रीलिंग में. आने आमी मतलब लाता हूँ एम ब्रिंगिंग और आने श्यामी मतलब विल ब्रिंग. तो वो जो है बोल रही है कि वो ओके आई विल डेफिनेटली ब्रिंग. सविता अजंता प्रवास कुत्र गमिष्यति. एंड फ्रॉम अजंता वेयर यू गो. वहाँ से फिर कहाँ जाऊँ. फ्रॉम देयर फ्रॉम अजंता वेयर यू विल गो. शीला अजंता वयम गुणेश्वर गुणेश्वर शिर गुणेश्वर था शिरडी में शिरडी था त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर था नासिकम गमिष्याम. ये सेंटेंस याद रखना होगा. वो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि मम्मी उसे क्या होती और कहाँ कहाँ हो गई. अजंता के बाद वो कहाँ कहाँ गई. ये भी क्वेश्चन बन सकता है. तो ये लाइन याद रखना. अजंता अगर भुवनेश्वर भुवनेश्वर से शिरडी से त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर से नासिक जाऊंगी. शोभनम प्रवास शिक्षण से भाव एक अस्ति. वो बोल रही है कि वेरी गुड द टूर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एजुकेशन. आप लोगों को भी ले जाते हैं ना. पहले ले जाते हो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जैसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जैसे छोटे बच्चों को ग्रोसरी में ले जाते हैं तो उनको सिखाया जाता है मसालों का नाम फल का नाम सब्जी
when you do your tour very मतलब बहुत अच्छे से वेरी वेरी भवती यत यत पश्यति तत् सर्व टिप्पणी पुस्तके लिखतु. What all you seen there, that all you write in a diary. टिप्पणी बुक मतलब टिप्पणी पुस्तक मतलब डायरी, एक छोटा सा पुस्तक. हाँ अवश्य लेखयिष्यामि. अभी सब शांत होके देखो तो सुनाई देता है कि नहीं. सबको शांत कराओ और देखो वहाँ बैठ कर सबको शांत. अच्छा बैठ के देखो सुनाई देता है. हाँ अवश्य लेखयिष्यामि बोले यस आई विल राइट डेफिनेटली. कविता अभी च प्रवास स्थान से विशेषता तथा तस्य स्थान से इतिहास विषय अभी लिखतु. एंड ऑल्सो यू राइट द क्वालिटी ऑफ दैट प्लेस एंड हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस इतिहास और बाकी विशेषताएं भी लिखो. शीला अवश्य भवतु नमो नमः बोलेंगे कि ओके आई विल राइट एंड आपको प्रणाम है. भवतु नमो नमः मतलब गुड बाय या प्रणाम. मम्मी को प्रणाम करते हैं. सविता नमो नमः. सविता जैन रिप्लाइड नमो नमः. का दूरभाषम करोति का दूरभाषम करोति. ये तीनों को तो कुछ नहीं आता होगा. उन तीनों को तो कुछ नहीं बेकार है. Yeah.
कहाँ जा रही है और कहाँ से जा रही है।